हम सभी की ये सोच रहती है कि घर का बना खाना ज्यादा पौष्टिक होता है और ये शरीर के लिए भी काफी लाभदायक होता है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया है। कैसे, ये रिपोर्ट आप देखिए। ज्यादा पौष्टिक खाना है खतरनाक। होममेड फूड से बच्चों की सेहत पर बुरा असर। पौष्टिक खाने के हैं साइड इफेक्ट। जी सही सुना आपने, अभी तक हमारी और आपकी यही सोच है कि घर का बना खाना पौष्टिकता से भरपूर है और सेहत के लिए लाभकारी है, लेकिन हमारी इस सोच को एक रिसर्च ने झुठला दिया है। रिसर्च के मुताबिक घर में बने खाने में कई बार पौष्टिक तत्वों की अधिक मात्रा बच्चों के लिए काफी हानिकारक होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक और यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन की रिसर्च के मुताबिक घर में तैयार खाना हमेशा बच्चों के स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नहीं होता। स्टडी में बताया गया है कि दरअसल घर के बने खाने में बच्चों की क्षमता से ज्यादा पौष्टिक तत्व हो सकते हैं, जिससे उन्हें उम्र से ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, जो कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। कई बार इसमें फैट की मात्रा भी बढ़ जाती है और ये बच्चों में जन्म से ही मोटापे का कारण बनती है। रिसर्च टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाजार में बच्चों के लिए मौजूद खाद्य पदार्थ और घर में बने खाद्य पदार्थों की तुलना की। रिसर्च के लिए बाजार में उपलब्ध 278 और घर में तैयार 408 खाद्य पदार्थों की पोषक तत्वों की तुलना की गई। घर में बने पदार्थों में सब्जियों की मात्रा अधिक थी, इसकी वजह से इसमें ऊर्जा की मात्रा 26% तो प्रोटीन और फैट की मात्रा 44% अधिक थी। इस रिसर्च की चौंका देने वाले रिपोर्ट सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि ज्यादा पौष्टिक खाना हमेशा लाभदायक नहीं होता। शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा बैलेंस डाइट की हिदायत देते हैं, जिससे सभी जरूरी तत्व सही मात्रा में शरीर में जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।